आज हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा, जैसा कि हमने फाइव किंगडम सिस्टम की बात की थी और हमने कहा था कि फाइव किंगडम सिस्टम के अंदर सबसे पहला किंगडम हमारे पास किंगडम मोनरा आता है और उसके बाद फिर हमारे पास प्रोटिस्टा और फिर एनिमेलिया, प्लांटी और फंजाई आ जाते हैं। तो इन तमाम पांच किंगडम्स के अंदर से एक किंगडम जो है वो हमारे पास था किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा का जो वर्ड है ये डिराइव हुआ है एक ग्रीक वर्ड से और इसका मतलब होता है द वेरी फर्स्ट या बिगिनर्स, द वेरी फर्स्ट यानी कि बिल्कुल शुरू के ऑर्गेनिजम्स। आज के लेक्चर के अंदर हम जनरल हिस्ट्री को स्टडी करेंगे और हम ये देखेंगे कि इंट्रोडक्शन देखेंगे थोड़ा सा और हिस्ट्री को देखेंगे और जनरल ग्रुप्स में हम किंगडम प्रोटिस्टा को डिवाइड कर देंगे और फिर हम देखेंगे कि हम किस तरह से डिवीजन करके इसको क्लासिफाई करके आगे स्टडी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना फॉर्मल लेक्चर इंट्रोडक्शन के साथ। प्रोटिस्टा के इंट्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो हम देख लेते हैं कि इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं या वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी बिना पर हम इसको एक सेपरेट किंगडम के अंदर प्लेस करते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में एक तो ये बात कि हमने जहाँ पिछले चैप्टर में बात की थी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की, तो प्रोकैरियोटिक के बाद ही हमारे पास सेकेंड जो आ जाते हैं ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक के बाद ही हमारे पास जो नेक्स्ट ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं उनको हम कहते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो किंगडम प्रोटिस्टा जो है उसके अंदर हमारे पास सिंपल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, सिंपल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक्स का क्या फ़र्क है ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। अच्छा, एक तो सिंपल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स इनके पास, इनके इस ग्रुप के अंदर हमने प्लेस कर दिए। इसके अलावा इनकी एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये अपने बॉडी फॉर्म्स में या टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में या बॉडी सिस्टम्स जितने भी इनके होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा डाइवर्स होते हैं। दिस इज़ अ वेरी डाइवर्स किंगडम। और ये डाइवर्स क्यों है? डाइवर्सिटी की वजह ये है कि हम प्रोटिस्टा के अंदर, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर प्लेस ही उन ऑर्गेनिजम्स को करते हैं जो कि किसी और किंगडम के अंदर नहीं आ सकते, यानी वो तमाम ऑर्गेनिजम्स जिनको ना तो हम फंजाई के अंदर, ना ही प्लांटी के अंदर, ना ही एनिमेलिया और ना ही हम उनको मोनरा के अंदर प्लेस कर सकते हैं, तो इसलिए हम उन तमाम ऑर्गेनिजम्स को किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर प्लेस कर देते हैं। इस वजह से इसके अंदर, इन इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, एक जो कैरेक्टरिस्टिक इसका हम देखते हैं वो ये है कि दे आर इवॉल्व्ड फ्रॉम प्रोकैरियोट्स, इवॉल्व्ड फ्रॉम प्रोकैरियोट्स, यानी कि जितने भी हमारे पास प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे वो मज़ीद डेवलप होते गए और फिर उनसे हमारे पास सिंपल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स बने और वो जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे वो ये किंगडम प्रोटिस्टा के ही मेंबर्स थे। जैसे कि हमने बात की कि क्योंकि हम बाकी फोर किंगडम्स के ऑर्गेनिजम्स को इसके अंदर प्लेस नहीं कर सकते, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि बाकी जो चार किंगडम्स के अंदर ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो तमाम के तमाम प्रोटिस्टा से ही इवॉल्व हुए हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अदर फोर किंगडम्स इवॉल्व्ड फ्रॉम प्रोटिस्ट्स, प्रोटिस्टा के लिए, ठीक है। अच्छा, जब हमने बात कर ली सिंपल होने की, डाइवर्सिटी की बात कर ली, हमने थोड़ी सी एवोल्यूशन की बात कर ली, तो हम देख लेते हैं कि इनका लिविंग मेथड क्या है। यहाँ ये सिंपल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की तो हमने बात कर ली, लेकिन इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो या तो यूनिसेलुलर हो सकते हैं, यूनिसेलुलर यानी कि उनकी तमाम पूरी बॉडी के अंदर सिर्फ एक ही सेल होगा, या फिर वो मल्टीसेलुलर हो सकते हैं, सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, एक से ज़्यादा सेल्स जिनके अंदर होंगे, या फिर वो कॉलोनियल भी हो सकते हैं। कॉलोनियल को हम अलग से एक टाइप इसलिए डिफाइन करते हैं, इसके अंदर होता यह है कि या तो वो सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो जाएंगे या मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं और वो सब के सब कॉलोनीज की फॉर्म में, यानी कि इकट्ठे रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारे पास एक कॉलोनी होगी और इसी तरह एक और कॉलोनी, इस तरह से यूँ कॉलोनीज के फॉर्म में ये ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। इस वजह से हम इनको, इनकी डिवीजन जब करते हैं तो हम इसको एक अलग से टाइप कंसीडर करते हैं, कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स।
अच्छा, ये तो हमने इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक देख ली। इसके बाद हम एक और कैरेक्टरिस्टिक इसकी स्टडी करते हैं, वो हम ये कहते हैं कि दे आर नॉट डेवलप्ड फ्रॉम एम्ब्रियो और ब्लास्टुला, नॉट डेवलप्ड फ्रॉम एम्ब्रियो और ब्लास्टुला। एम्ब्रियो या ब्लास्टुला क्या चीज़ है, ये हम जब एनिमेलिया को स्टडी करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हमारे बॉडी की या जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी की कुछ डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं, यानी कि उनकी जो बॉडी डेवलप होती है वो डिफरेंट स्टेजेस से होके एक पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म जो है वो बनता है। वो जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं उनके अंदर आपने स्टडी किया होगा, जैसे हम सिंपली हम कहते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास एग है, उसके बाद हमारे पास जायगोट आता है, उसके बाद हमारे पास एम्ब्रियो आता है। सिंपल में आपको एग्जाम्पल देने के लिए ये सब बता रही हूँ। एम्ब्रियो आता है, एम्ब्रियो के बाद फिर हमारे पास एक जो ही वो और मज़ीद डेवलप होता जाता है और फिर हमारे पास एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है, तो सिंपल जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर इस तरह से होता है, या प्लांट्स हैं उनके अंदर भी इसी तरह से होते हैं। स्पोर फॉर्मेशन हो सकती है और फिर उसके बाद जो डेवलपमेंटल स्टेजेज हैं एट लास्ट वो एम्ब्रियो और ऑर्गेनिज्म तक पहुँच जाती हैं। लेकिन जो प्रोटिस्ट्स हैं, प्रोटिस्ट के अंदर इस तरह से नहीं होता। प्रोटिस्ट की जो रिप्रोडक्शन है या डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं वो इस तरह की बिल्कुल भी नहीं होती। वो चेंज होती, वो किस तरह से हो सकती है, उनके अंदर सिंपल म्यूटेशन हो सकती है, सॉरी म्यूटेशन नहीं, बाइनरी फिशन हमसे कहते हैं। बाइनरी फिशन का क्या मतलब है? बाइनरी फिशन का मतलब है कि एक ऑर्गेनिज्म है और वो डिवाइड हो जाता है और उससे हमारे पास दो ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल अमीबा की हमारे पास एग्जांपल है, ये हमारे पास सपोज अमीबा का स्ट्रक्चर है और ये इस तरह से होगा कि एक ऑर्गेनिज्म है और थोड़े ही देर बाद ये ऑर्गेनिजम्स जो है, ये एक ऑर्गेनिज्म सबसे पहले इसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा और ये न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद हमारे पास तीसरी स्टेज में आके दो ऑर्गेनिज्म यानी दो अमीबा के स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास इसके अंदर रिप्रोडक्शन होती है। अच्छा, तो ये तो हमने देख लिया इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए, हमने कहा कि कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आ सकते हैं, और उसके अंदर हमने देखा कि सिंपल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो आएंगे इसके अंदर। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो बहुत डाइवर्स होंगे, ये सब के सब इवॉल्व हुए हैं प्रोकैरियोट्स में से, और इसके अंदर यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर या कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स भी आ सकते हैं, और ये इनकी जो डेवलपमेंटल स्टेज है उसके अंदर एम्ब्रियो या ब्लास्टुला नहीं आता, बाइनरी फिशन के थ्रू ये डिवाइड होते हैं। अच्छा, ये तो हमने इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लिया। इसके बाद हम आ जाते हैं इसकी डिवीजन के ऊपर या क्लासिफिकेशन के ऊपर। हमारे पास जितने भी प्रोटिस्ट हैं हम उनको फोर मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। प्रोटिस्टा किंगडम का नाम लिख देते हैं प्रोटिस्टा। ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है, हम इसकी मज़ीद जो है वो क्लासिफिकेशन करें तो हम इनको फोर डिफरेंट क्लासेस के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन क्या है? फर्स्ट वन को हम कहते हैं प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स जो सेकंड है, सेकंड को हम कहते हैं यूनिसेलुलर एल्जी। अच्छा, जो थर्ड वन है, थर्ड को हम कहते हैं मल्टीसेलुलर एल्जी। ये जितने भी ग्रुप्स हैं हम इनको एक एक करके डिटेल में अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ते जाएंगे। मल्टीसेलुलर एल्जी, और जो फोर्थ ग्रुप है हमारे पास उसे हम कहते हैं स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड या फिर ओमाइकॉट्स, एंड या फिर नहीं, स्लाइम मोल्ड और हमारे पास इसके अंदर ओमाइकॉट्स। ओमाइकॉट्स इसको एंड कर लेते हैं हम। अच्छा, तो ये हमने जनरल इसके ग्रुप्स को देख लिया कि इन तमाम ग्रुप्स के अंदर हम प्रोटिस्टा को डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं हिस्ट्री के ऊपर। हिस्ट्री के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरह से टाइम विद टाइम किंगडम प्रोटिस्टा जो है वो डेवलप होता गया है, और आज जो हम किंगडम प्रोटिस्टा को स्टडी करते हैं या उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं उनको हमने किस तरह से प्लेस किया, कि किस बेसिस के ऊपर हमने उनको इस ग्रुप के अंदर प्लेस किया, तो इसको हम कह देंगे हिस्ट्री। अच्छा,
अच्छा, जब हिस्ट्री की हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि क्रोनोलॉजिकली या टाइम वाइज क्या क्या डेवलपमेंट्स होती गई किंगडम प्रोटिस्टा के हवाले से। सबसे पहले तो हम चले जाते हैं 1861 में, जब जॉन हॉग ने एक नया किंगडम प्रोटिस्टा प्रपोज किया था। किंगडम प्रोटिस्टा, जिसको उस वक्त प्रोटोक्टिस्टा के नाम से प्रपोज किया गया था। अच्छा, ये किंगडम प्रपोज तो कर दिया गया था, लेकिन ये किस किस्म के ऑर्गेनिजम्स के लिए किया गया था? ये उस वक्त के यूनिसेलुलर या माइक्रोस्कोपिक जो ऑर्गेनिजम्स थे, ये उन ऑर्गेनिजम्स के लिए नया किंगडम जो है वो प्रपोज किया गया था। उसके बाद 1866 में अर्नस्ट हेकल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस किंगडम के अंदर, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर बैक्टीरिया को या किंगडम मोनरा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर ऐड कर लिया। यानी हम कह सकते हैं कि ही एडेड बैक्टीरिया इन प्रोटिस्टा। ये एक कंट्रीब्यूशन थी उनकी। उसके बाद हम चले जाते हैं 1938 में क्या हुआ था कि हमारे पास एक साइंटिस्ट हैं हर्बर्ट कोपलैंड। ये हमारे पास एक साइंटिस्ट हैं और इन्होंने, हर्बर्ट कोपलैंड ने किया ये था कि इन्होंने प्रोकैरियोट्स के लिए एक अलहदा से किंगडम प्रपोज कर दिया था। यानी जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, मोनरा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया आ जाते हैं, साइनोबैक्टीरिया या जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, उन सब के लिए एक सेपरेट किंगडम आ गया। यानी कि प्रोकैरियोट्स अब प्रोटिस्टा के अंदर से निकल के अलग से एक किंगडम के अंदर आ गए। तो ही डेड व्हाट ही एक्चुअली प्रपोज्ड सेपरेट किंगडम फॉर प्रोकैरियोट्स। अच्छा, अब प्रोकैरियोट्स जो हैं उनका अलग से किंगडम बन गया, और इसके साथ हुआ ये कि बैक्टीरिया और इस किस्म के ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं वो सब के सब अपने अलग से किंगडम के अंदर चले गए। इसके बाद नेक्स्ट हम जो कंट्रीब्यूशन देखते हैं या हिस्ट्री का इवेंट देखते हैं वो हम 1969 का देखते हैं। और 1969 में ये हुआ था कि हमें पता है कि रॉबर्ट विटेकर का जो एक फाइव किंगडम सिस्टम था, उन्होंने ये किया था, उन्होंने अपने फाइव किंगडम सिस्टम के अंदर वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो के सिंपल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे, यानी ही प्लेस्ड यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स इन प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर आप पीछे जो ऑर्गेनिजम्स रह गए हैं वो कौन से ऑर्गेनिज्म रह गए हैं? वो हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, ये तो हमारे पास एक इसका, बल्कि इसका एंड पे एक और भी हम देख लेते हैं जो कि है 1988 का कंट्रीब्यूशन, अभी से कुछ ही सालों पहले की बात है। और इसके अंदर ये है कि मार्गलस शिवार्ट्स ने जो अपनी कंट्रीब्यूशन दी, उन्होंने ये किया कि उन्होंने कुछ मॉडिफिकेशंस की किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर, मॉडिफाइड किंगडम प्रोटिस्टा। और क्या मॉडिफिकेशन की इन्होंने इसकी प्रोटिस्टा, इन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो फाइलम्स हैं या इसके अंदर मज़ीद हम जो ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं और क्लासिफिकेशन के बेसिस पे उसको डिवाइड करते जाते हैं, उनके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस दी। और मार्गलस और शिवार्ट्स के मुताबिक उन्होंने इसके अंदर जो फाइलम्स हैं वो 27 डिफरेंट फाइलम्स जो हैं वो प्रपोज किए। अच्छा, तो ये तो हमने देख लिया हिस्ट्री के कुछ सर्टेन इवेंट्स को देख लिया कि जिसके मुताबिक आप देख सकते हैं कि 1800s में प्रोटिस्टा के बारे में कोई ख़ास उनको ना तो क्लासिफाई किया गया था, ना ही उनके लिए कोई हमारे पास कोई रूल था कि किस किस्म के ऑर्गेनिजम्स को हमने इनके अंदर प्लेस करना है। और विद टाइम जो है अब हमारे पास जो फाइव किंगडम सिस्टम है उसके मुताबिक हमने एक ख़ास किस्म के ऑर्गेनिजम्स को उनके फाइलम्स के मुताबिक प्लेस किया है किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। अच्छा, शुरू में हमने एक बात की थी डाइवर्सिटी की, आई थिंक उसको भी यहीं पे हमें कवर कर लेना चाहिए। डाइवर्सिटी
हमने कहा था कि ऐसे ऑर्गेनिज्म्स जिनको हम बाकी चार किंगडम्स में प्लेस नहीं कर सकते, उनको हम किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर डाल देते हैं। तो जब हम किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर उनको ऐड कर लेते हैं तो वो बहुत ही डाइवर्स ग्रुप बन जाता है, यानी कि उनके अंदर जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो बहुत कम रह जाती हैं। इन सिमिलैरिटीज़ के कम रहने की वजह से हमारे पास जो एक डाइवर्स ग्रुप बन गया है, इसके अंदर ये जो डाइवर्सिटी है ये डिफरेंट चीज़ों के अंदर आ सकती है। किस तरह से आ सकती है कि ये जो डाइवर्स हैं या डिफरेंट हैं ऑर्गेनिजम्स, ये साइज़ में डिफरेंट हो सकते हैं, या फिर ये मीन्स ऑफ लोकोमोशन में डिफरेंट हो सकते हैं। मीन्स ऑफ लोकोमोशन यानी कि जो मूव मूव करने के लिए ये जो तरीके इस्तेमाल करते हैं उनको हम कहते हैं मीन्स ऑफ लोकोमोशन, तो वो डिफरेंट हो सकता है ऑर्गेनिजम्स का आपस में। इसके अलावा वे ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स डिफरेंट हो सकता है, वे ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स यानी कि ये अपनी खुराक किस तरह से लेते हैं, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स ये डिफरेंट हो सकती है। जनरली जब हम प्रोटिस्ट की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इनकी एक तो ये है कि ये ऑटोट्रॉफ्स हो सकते हैं, यानी कि अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास एलजी है। इसके अलावा ये हेटरोट्रॉफ भी हो सकते हैं, यानी अपनी अपनी जो खुराक है ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। इसके अलावा ये डिकम्पोजर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि फंजाई लाइक प्रोटिस्ट है हमारे पास। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो डाइवर्सिटी हम देखते हैं वो हम कहते हैं इनके इंटरेक्शंस में है। इंटरेक्शन का ये मतलब है कि ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो इंटरेक्शन के वेज हैं ये डिफरेंट हो सकते हैं। इसके बाद हम कहते हैं हैबिटेट डिफरेंट हो सकता है। हैबिटेट किस तरह से डिफरेंट हो सकता है कि ये प्रोटिस्ट जो हैं ये आपको हर जगह मिलेंगे, ये फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, ये मरीन भी हो सकते हैं। मरीन का मतलब है कि समंदरों में पाए जाएंगे। इसके अलावा ये सॉइल के ऊपर भी पाए जा सकते हैं, तो ये आप कह सकते हैं कि हैबिटेट इनका बहुत ही डाइवर्स हो सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो डाइवर्सिटी की फॉर्म हम देखते हैं वो इनकी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन जो है वो इनके अंदर डिफरेंट तरह से हो सकती है, इनके अंदर सेक्सुअल भी हो सकता है और एसेक्सुअल, मोस्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा इनके अंदर। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जैसे कि हमने ऊपर बात की थी बाइनरी फिशन की, तो बाइनरी फिशन हो सकती है, या फिर सिंपल मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से लेके कम्प्लेक्स मोड ऑफ रिप्रोडक्शन तक इनके अंदर तमाम के तमाम मोड्स पाए जा सकते हैं। सो सिंपल से लेके कम्प्लेक्स तक इनके अंदर तमाम मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन पाए जा सकते हैं। एक और टर्मिनोलॉजी, एक टर्म यूज़ की जाती है प्रोटिस्ट के लिए, इनको कहा जाता है दे आर पॉली फिलेटिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इस टर्म को एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। पॉली फिलेटिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि दे डू नॉट शेयर कॉमन इंसिस्टर, इनका जो इंसिस्टर है वो कॉमन नहीं है। फाइलेटिक लिंकेज की हमने बात की थी अपने शुरू के चैप्टर्स के अंदर, अगर आपको याद हो तो। पोली का मतलब होता है मैनी या डिफरेंट, ठीक है। पोली फाइलेटिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स का मतलब ये है कि जो प्रोटिस्ट हैं इनका कोई एक कॉमन इंसिस्टर नहीं है। जहाँ हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं वहाँ हम ये बात भी मेंशन, हमें ये बात मेंशन करना ज़रूरी है कि ये एक इनके जो इंसिस्टर हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो सेम हो। यानी एवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो ये किसी एक ऑर्गेनिज्म से या एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व नहीं हुए, बल्कि ऐसा पॉसिबल है कि डिफरेंट तरह के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इवॉल्व करते करते जो हैं वो प्रोटिस्ट्स के फॉर्म में आ गए। ये हमारा आज का लेक्चर था जिसके अंदर हमने क्या देखा, हमने शुरू में तो इंट्रोडक्शन देख लिया, हमने देखा किस किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि प्रोटिस्टा के अंदर पाए जा सकते हैं। उसके बाद हमने प्रोटिस्टा को डिवाइड कर लिया उसके फोर डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, जिनको हम वन बाय वन अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में स्टडी करते जाएंगे। उसके बाद हमने हिस्ट्री को देखा, हिस्ट्री के कुछ इवेंट्स को देखा, और फिर उसके बाद हमने डाइवर्सिटी को स्टडी किया कि जो फंजाई, सॉरी, जितने भी प्रोटिस्ट हैं वो किस तरह से डाइवर्स हो सकते हैं, किन किन फॉर्म्स में डाइवर्स हो सकते हैं। उसके बाद हमने एक टर्म स्टडी की पॉलीफिलेटिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। पॉलीफिलेटिक लिंकेज होती है हमारे पास, चेन्स होती हैं, और उसको हमने देखा कि उसका क्या मतलब है। अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम प्रोटिस्टा के डिफरेंट ग्रुप्स को स्टडी करते जाएंगे।